लगातार बारिश और गंगा कटान से प्राचीन और ऐतिहासिक मां गलखा माता मंदिर पर गहराए संकट के बादल। कई दिनों से पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से गंगा व माला नदी अपने उफान पर है। वहीं गंगा के बढ़ते जल स्तर ने क्षेत्र में तबाही मचा रखी है। गुरुवार को माला नदी का पानी खेतों में घुसने से हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई। पिछले कई दिनों से पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से गंगा व माला नदी अपने उफान पर है, जिसके चलते गंगा की तेज धार गाँव चंद्रभानपुर किशोर के खेतों का कटान करती हुई गलखा मंदिर की ओर बढ़ रही है। मंदिर को गंगा कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग हर संभव कोशिश कर रहा है। मंदिर को गंगा कटान से बचाने के लिए लगाई गई बल्लियां और पेड़ों की झाड़ियां भी गंगा की तेज धार में बह गई। वहीं बुधवार को गंगा का जलस्तर अधिक बढ़ने के कारण यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर बसे जिले के दो गांव राम सहायवाला और हिम्मतपुर बेला में गंगा का पानी घरों में घुस गया था, जिसके चलते ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को भी राम सहायवाला व हिम्मतपुर बेला के गाँव में गंगा का पानी घुसा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को ही गाँव में पानी घुस गया था। गुरुवार को भी गाँव में पानी की स्थिति जस की तस बनी रही है, जिसके चलते सभी रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं बुधवार की रात से माला नदी का पानी खेतों में घुस गया है, जिसके चलते खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। ग्राम प्रधानपति साजिद ने बताया कि मेरा नाम साजिद है और ग्राम प्रधानपति हूँ। जो सैफो खादर जो यहाँ पे कटान हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? इसका कहना यह है कि कटान के लिए देखो, ये गंगा है, गंगा जी का, गंगा जी कब रूप धारण कर ले कोई पता नहीं, और ये बहुत सदियों पुराने से कटता चला आ रहा है। पहले आ गया था, फिर पीछे आ गया, फिर यहाँ लगभग गंगा यहाँ से लगभग जो है 10 किलोमीटर दूर थी, अब ये यहाँ आ गई है और इसका जो कार्य है वो किया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि जो ये पेड़ डाले जा रहे हैं काट काट के, इससे गंगा रुकेगी? नहीं देखो, रुकने की बात नहीं, ये फिलहाल का सोलूशन है, एकदम से जो है यहाँ कोई कार्य नहीं किया जा सकता। अच्छा, ग्रामीणों का ये कहना है कि जब पानी आता है तभी यहाँ पे ये खाना पूर्ति की जाती है, क्या इससे मतलब जब यहाँ पे गंगा जी नहीं होती तब निर्माण कार्य या जो भी कार्य वो नहीं कर सकते हैं, जिससे कि अब ना करना पड़े? कर सकते हैं। ऐसा हुआ कि पूर्व में जो कार्य योजना बनी थी गंगा जी की, उस कार्य योजना में ये नहीं था, क्योंकि पूर्व में यहाँ कटान नहीं था, अब इस बार यहाँ कटान है। तो जैसे गंगा जय का कहना है और आला अधिकारी का कहना है कि इस बार जय इसको ले लिया गया है, ये तो एक मौखिक रूप से, क्योंकि एकदम से कटान होने लगा तो यहाँ ये काम चल रहा है। अच्छा, क्या प्रधान जी आपको लगता है कि जैसे कि इतने नज़दीक में गंगा जी कटान करते हुए आ गई है, तो मंदिर बिल्कुल नज़दीक है, तो क्या लगता है कि मंदिर को छोड़ पाएगी या क्या? नहीं, ऐसा है कि मेरा मानना यह है कि यहाँ लाखों लोगों की आस्था का विषय है। ये गलखा माता मंदिर है, सदियों पुराना है और यहाँ लाखों लोगों का आस्था का विषय है, और ये मंदिर, मुझे मेरा मानना यह है कि यहाँ मंदिर को काट के नहीं जाएगी, क्योंकि गंगा मैया और गलखा मैया दोनों बहन हैं, मुझे नहीं लगता कि ये काट के जाएगी।